नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। और मैं बहुत हर्षित हूँ इस बात को जान करके कि कल मैंने एक सर्वे कराया था अपने चैनल पर, जिसमें मैंने ये जानना चाहता कि कितने हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जनरल स्टडी को पढ़ना चाहते हैं, जनरल स्टडी उनको पढ़ने की इच्छा है, सामान्य अध्ययन जो है उसको पढ़ने की इच्छा है उनकी। तो ये जान करके काफ़ी खुशी हुई हमें कि हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग जीएस पढ़ना चाहते हैं। और हमारे चैनल पे ये एक बहुत बड़ी कमी थी कि हम जो है रेगुलर क्लास और जो जनरल स्टडी की जो क्लास है वो नहीं लेकर के आ पा रहे थे। तो दोस्तों, अब आप लोगों की ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं विरत दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर में। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने काफ़ी समय जो है बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड में काफ़ी समय बिताया है मैंने। वहाँ के अनुभवों के साथ अपने स्वयं के जो अनुभव हैं, जो मैंने खुद भी कई जगहों पर, इसके अलावा भी कई जगह स्टडी कराई है, तो वो सारे अनुभवों को लेकर के मैं आपके सामने आज ये जो ये हमारा ये वर्चुअल क्लासेस का जो सिस्टम चला हुआ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम है, इसमें मैं आपके सामने अपने अनुभव साझा करने आया हूँ। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चीज़ को लेकर के, इस चीज़ को समझ करके कि आप लोगों ने मेरी काफ़ी सहायता करी है ये बता करके कि आपको कि जनरल स्टडी की क्लास में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि अब से हमारे इस चैनल पर जनरल स्टडी की रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। ये क्लासेस क्या ध्यान में रख करके बनाई जा रही हैं, कौन कौन से एग्जाम उसमें टारगेटेड हैं, नो डाउट ये बताने की जरूरत नहीं है कि जनरल स्टडी की कहां कहां आवश्यकता पड़ती है। वैसे यहां पर एसएससी, रेलवे, पटवारी, लेखपाल, वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके अलावा वीपीओ, विलेज पंचायत अधिकारी यानी विलेज पंचायत ऑफिसर, टेट, यूपी ट्रिपल एस सी और डी ट्रिपल एस बी जो है बोर्ड, इसके द्वारा जो है ये जो वैकेंसीज निकलती हैं इनके लिए जनरल स्टडी जान है बेटा इसके लिए, अब आप मान करके चलिए। तो ये कई सारे लोगों को जनरल स्टडी का फोबिया होता है, अब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपको ये फोबिया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सारे डर को हम पूरा दूर करने का प्रयास करेंगे। टारगेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग लाइव सेशन यहाँ पर रहेंगे। देखिए, जनरल स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो जनरल स्टडी का डेली बेसिस पे एक लाइव सेशन रहेगा और इस लाइव सेशन को हम लोग डेली शाम को सात बजे इसी चैनल पर मुलाकात करके पूरा करेंगे। उम्मीद करेंगे जिस तरीके का जोश आप लोगों ने, जिस तरीके का जज्बा आप लोगों ने दिखाया है इस जनरल स्टडी को पढ़ने का, ये बरकरार रहेगा और आप हमारा साथ लगातार देते रहेंगे। इसके अलावा न सिर्फ हमारी कहानी यहीं तक रुकेगी बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे क्या, ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें जनरल स्टडी के साथ साथ अगर करंट अफेयर्स ना लगा हो, जनरल स्टडी में कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का भी पार्ट उसमें जुड़ता ही है। चाहे आप बैंक के एग्जाम से लेकर के पीएससी के एग्जाम तक चले जाइए, पब्लिक सर्विस कमीशन्स के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वहां तक चले जाइए, तो आपको करंट अफेयर्स का सेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन की डेली क्लासेस, रेगुलर क्लासेस आपको यहां पे मिलेंगी, लेकिन इन दो क्लासेस में अंतर ये है कि जनरल स्टडी में मैं आपके सामने लाइव होऊंगा और करंट अफेयर्स में मैं आपके सामने लाइव ना होकर के रिकॉर्डेड मोड में आऊंगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको डेली 7 बजे मिल जाया करेगी। कैसे मिल जाया करेगी, इसके लिए आपको हमारे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इसके साथ आपको जुड़ना है। इसमें लिंक जो शेयर हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ेंगे, आपको तुरंत और डेली बेसिस पर ये क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ना सिर्फ इतना बेटा, आप बल्कि ये ध्यान रखते हुए कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे जो हैं वो NTPC CBT 1 जो होने वाला है, एक साल से तो हालांकि पेंडिंग है लेकिन अब आशाएं बढ़ गई हैं क्योंकि टेंडर जो है वो आ गया है, कहीं आने लगा है कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग RRB NTPC के किरण के प्रैक्टिस सेट जो है वो डेली बेसिस पे लगा रहे हैं। ये लग जाएंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट दूसरे हम लोग कराएंगे, लेकिन इसके 45 प्रैक्टिस सेट लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको डेली बेसिस पर मिलता रहेगा या फिर अल्टरनेट डेज के बेसिस पर मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन देते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग यदि अगर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं इन सारे एग्ज़ाम्स की, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में एक एग्ज़ाम और छूटता है और वो है PSC का एग्जाम, PSC पब्लिक सर्विस कमीशन। और यदि अगर हम इसमें बेसिकली देखा जाए तो UPPSC को यदि अगर हम टारगेट करें तो जून में होने वाला जो ये UPPSC का एग्ज़ाम है शायद कुछ समय लेगा, अभी पोस्टपोन होगा शायद अभी। अगर ऐसा हो जाता है तो इसे आप एक अपॉर्चुनिटी मान के भी तैयारी कर सकते हैं, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम इसकी भी तैयारी करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में और फेसबुक व्हाट्सएप पे जो लिंक शेयर किया हुआ है उस पर आपको अपने नाम के साथ PSC लिख करके भेजना है।
अगर आप अपने नाम के साथ पीएससी लिख करके भेजेंगे तो एक मिनिमम जो कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो होती है क्लास की, अगर वो भी हमें मिल जाती है तो हम ये सेक्शन भी लाइव करेंगे आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। ये इम्पॉर्टेंट है, मेरी मैं इसको पढ़ाने की काफ़ी कह सकता हूँ कि मेरी इच्छा है और मैंने इसके लिए कई सारी क्लासेस पहले भी ली हैं, ऑनलाइन मोड में नहीं, ऑफलाइन। कई सारे स्टूडेंट अगर मुझे पहचान रहे होंगे, जान रहे होंगे, जुड़े होंगे तो उन्हें मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे मौका दीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर पीएससी मोड तक लेके जाने का प्रयास करूँगा। जनरल स्टडी बेटा हर एक एग्जाम की कहीं ना कहीं बैकबोन होती है, तो आप यदि अगर इसे मजबूत कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप अपनी सफलता की ओर 50% से अधिक का जो है वो योगदान दे चुके हैं। कोई शायद ही एग्जाम है, जैसे अगर देखा जाए तो बैंक वगैरह में अवेयरनेस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, थोड़ा जनरल स्टडी कम रहता है, लेकिन स्टैटिक तो वहाँ भी रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आगे जिस तरीके से कंबाइंड एग्जामिनेशन होने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है, मे बी वहां पर भी जनरल स्टडी का काफी इंपॉर्टेंस रहेगा। सो लेट स्टार्ट विद यू एंड अस, तो हमारे और आपके द्वारा अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत अगर करी जाए तो सिलेक्शन मेंटर में जैसा कि आप देख रहे हैं एक कदम सफलता की ओर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहां पर इनवाइट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतना सारा जो है कह सकते हैं कि हमें ये सहयोग प्रदान करने की कृपा करी, सर्वे में जो है आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बने रहिएगा हमारे साथ, इसी तरह आते रहिएगा लगातार और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।